वंदे मातरम भाइयों, मैं आप लोग को अभी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट है उसका टोटल पूरा जो है पूरा फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग जाके वहीं से डाउनलोड कर सकती हो बीएसएफ की साइट से। फिर भी मैं आप लोग को मोटा मोटा चीज़ आप लोग ध्यान नहीं देती हो तो इसलिए आप लोग के लिए बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल ये चीज़ मोटा मोटा चीज़ ध्यान दे दो। सबसे पहले आप देख लो, ठीक है, इसमें तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, वो 2728 पोस्ट की वैकेंसी दे रखा है, ठीक है। कॉन्स्टेबल दो ट्रेड्समैन की वैकेंसी 2021-22 में। सबसे बड़ी चीज़ है भाई, मैं आप लोग बताता हूँ, 2019 में जब वैकेंसी आई थी वो 2020 मतलब एक डेढ़ साल में इसका भर्ती शुरू कर मतलब ख़त्म हो गया था। तो इसका क्या क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और एक बात बता देता हूँ, ये बहुत ही बड़ी जरूरी बात है, ये चौथा नंबर कॉलम ने क्या है, कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट भाई, वन ट्रेड में भाई, एक ट्रेड में डालोगे भाई। आप सोचोगे मैं कुक और वाटर कैरियर दोनों में डाल दूँ या स्वीपर कुक में दोनों में डाल दूँ तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा गलती मत करना है, ठीक है। तो एक ही ट्रेड में डालना है। तो स्टेट वाइज ट्रेड वाइज वैकेंसी दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नोटिस में, मैं आप लोग को भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जो हर कैंडिडेट जो है अपना स्टेट के अनुसार जितना आपका जो स्टेट में है उसी का जो वैकेंसी उसी वैकेंसी में आप लोग दे दीजिए, ठीक है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। मेन मेन मोटी मोटी बातें आप लोग को बता देता हूँ, ठीक भाई। अभी चलो, अभी एग्जामिनेशन फी 100 रुपया देना है, आप नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड में दे सकते, उसको छोड़ो। अभी एग्जामिनेशन सेंटर देख लो भाई, मैं बोल रहा था ना आप लोग को पहले से वीडियो से, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपकी घर की नज़दीक रहेगी, ठीक है, आपकी स्टेट की नज़दीक रहेगी आप लोग की जो रिक्रूटमेंट सेंटर, देख लो, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ भाई वही एक ही जगह होती है, गुजरात, महाराष्ट्र वही नज़दीक वाले, राजस्थान, हरियाणा तो वही नज़दीक है, बिहार, सिक्किम वो भी नज़दीक है, वेस्ट बंगाल, अंडमान आइसलैंड, ठीक है, ये सब सब नज़दीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की वो भी, छत्तीसगढ़ में बीएसएफ, उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़ वो खुर्दा मेरे डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। चलो, एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को पता है, बता दिया था, और दो, ठीक है, दो साल की आप लोग का सर्टिफिकेट जो ये चाहिए, वन ईयर सर्टिफिकेट फॉर्म आईटीआई, मैं बता था आप लोग को भाई, आईटीआई और वोकेशनल एनसीबीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट, उसका किसको चाहिए आप लोग को, जो एक साल की ट्रेड किसका है, एक साल की कोर्स टेलर है, कोबलर है, कारपेंटर, इन लोगों का एक साल की कोर्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान देना है, मैं आप लोग तो बताते रहूँगा, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन है, ठीक है, एज रिलेशन। चलिए अब हम चलते हैं हाइट का, देख लो दोस्तों, हाइट का बहुत कम हाइट है, 167.5 सेमी है और 78 to 83, ठीक है, सेमी चेस्ट है, बढ़िया से आराम से आप लोग अप्लाई करो। और मेडिकल स्टैंडर्ड तो जानते भाई, जीडी चाहे ऑफिसर हो सबकी मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, आप सिलेक्शन देख लो, हाँ भाइयों, मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन देख लो, फर्स्ट फेज में क्या होगा, फर्स्ट में होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो आप लोग का हाइट वेट चेस्ट मापा जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, में आप लोग को बता दिया था 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट होगा, प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। उसके बाद आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोग को चेकिंग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग, और भी इंस्ट्रक्शन दिया गया भाई, आप लोग को रनिंग नहीं है तो आप लोग ड्रग्स मत लीजिए, कोई भी इंजेक्शन लीजिए, दवाई मत लीजिए, कुछ हो जाएगा तो फिर आप लोग का वो डिपार्टमेंट दाई नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोग दूर रहे। उसके बाद आप आ जाएगा ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोग को बिल्कुल ट्रेड में कैसे क्वालिफाई करें उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। बस तो देख लीजिए क्या क्या ट्रेड में क्या करना है, ठीक है। तो दूसरे बात है रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन आप लोग का 100 मार्क की होगा, आप लोग को जो भाई ने ट्रेड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे उनको रिटन टेस्ट देना है। रिटन टेस्ट में जनरल जीके 25 मार्क की, मैथमेटिक्स 25 मार्क की, ठीक है, और एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो इसका क्या बोलते हैं वो रीजनिंग है, ये रीजनिंग है 25 मार्क की, और हिंदी इंग्लिश में एक देना पड़ेगा, तो आप लोग का 25 मार्क की रहेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप देख लेना है, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है SSCGD। इसके बाद आप लोग का मेडिकल आ जाता है, मेडिकल में तो भाई वही है, टाटू नहीं होना चाहिए, नॉक नहीं होना चाहिए, बेरी कुछ बहन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है, आप लोग को अभी और एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसका जो वैकेंसी आया है भाई आप लोग को, ठीक है, जो वैकेंसी स्टेट वाइज आया है ये चीज़ को आप लोग ध्यान दे देना है, ठीक है। इसका भी दिखा दिया है, सबसे नीचे
ये जो सबसे नीचे इसका दिया है वैकेंसी दिया गया है, ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी दिया गया है, सबसे नीचे है, ठीक है। अब देख लो ये, ठीक है, ये आया है किसका, फीमेल का, ठीक है, स्टेट वाइज अंडमान सारे स्टेट का टोटल 37 जो है टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को, जिस आपका स्टेट में यदि वो वैकेंसी नहीं है उसको बिल्कुल मत भरिए, यदि उसमें भर देते हो तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, जिस भाई ने आपके स्टेट में यदि वो वैकेंसी है और आपकी कैटेगरी में है तो आप लोग भर सकते हो। सपोज यदि आप लोग की स्टेट में बाकी कोई कैटेगरी एस सी एस टी ओ बी सी में पोस्ट नहीं है तो आप लोग का यूआर में है पोस्ट, तो आप लोग यूआर में सारे कैटेगरी लोग फॉर्म भर सकते हो, पर आप लोग को जो कैटेगरी का छूट नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस चीज को बढ़िया से ध्यान दे के भरेंगे, ठीक है। सपोज एक देख लो, एक स्टेट का ये है यूआर का लाइन है, यूआर में एक ही पोस्ट है, ठीक है, किसका पोस्ट है, कारपेंटर का, ठीक है, यूआर का जनरल का कारपेंटर, कौन सा स्टेट है ये स्टेट है तमिलनाडु का, एक ही पोस्ट है, ठीक है, तो एक ही पोस्ट है, तो इसमें आप लोग जनरल का पोस्ट है तो इसमें एस सी एस टी ओ बी सी सारे भर सकते हैं, पर उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। किस में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, रिटर्न में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बाकी हाइट वेट चेस्ट वो सारे के सारे आप लोग का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोग के लिए वीडियो डालते रहूँगा और ट्रेड टेस्ट की सारे वीडियो आप लोग को डालते रहूँगा, आप देखते रहेगा, और आशा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।